भाई ये है हर्षित, इंडी सर्कल जो है ना, इंडी म्यूजिक का सर्कल, कहते हैं ये है उसकी बहुत बड़ी जान, मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे हर्षित चौहान। स्वागत है आपका हर्षित, सभी थैंक यू बातें सो मच शुरू दानिश, क्या करेंगे आपके इंट्रोडक्शन नए गाने। कमाल थैंक का था। यू, आपके नाम ने आसान बनाया। ऑलराइट, और काम ने भी ऑफ कोर्स। सो यस, बातें होंगी, आपका नया गाना आया है उसकी बधाई होगी, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे सुनने वालों को अपने बारे में बताइए प्लीज। जी मैं 11-12 साल की एज से सिंगिंग कर रहा हूँ। आई मतलब स्टार्टेड सिंगिंग व्हेन आई वाज 12 कल्याण जी आनंद जी के साथ में, उनके ग्रुप में लिटिल स्टार्स में। एंड देन लाइक आफ्टर इन 2013-14 मुझे अरेंजमेंट का बहुत शौक है, दूसरे कंपोजर्स के लिए अरेंज करना। मैं ओल्ड स्कूल, थोड़ा थोड़ा ओल्ड स्कूल आदमी हूँ मैं, और मुझे जो पहले जैसे लाइव स्ट्रिंग सेक्शंस होते थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की रिकॉर्डिंग्स होती थी, वहां से मुझे एक अरेंजमेंट का बहुत शौक लगा। फिर मैंने दूसरे कंपोजर्स के लिए अरेंज करना शुरू किया, उनके गाने अरेंज करके उनको देता था, रिकॉर्डिंग्स होती थी, डबिंग्स होती थी। देन 2014-15 में मेरे कुछ दो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, एक का नाम है आदित्य नारायण, एक का नाम है अध्ययन सुमन, ये मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। इन्होंने मुझे पुश किया कि आई थिंक आप कंपोज कर सकते हैं, आपके अंदर वो कंपोज करने की क्षमता है और आपको कंपोज करना चाहिए। और फिर मैंने अपने सेटअप पे इन्वेस्ट करके अध्ययन के साथ में आई स्टार्टेड कंपोजिंग, और तब से लेके अब तक की ये जर्नी रही है कि बहुत सारे इंडी गाने किए हैं मैंने, और फिल्मों के भी कुछ गाने अब मैं कर रहा हूँ। यू नो आई हैव साइंड माय फर्स्ट फिल्म एज अ कंपोजर नाउ, सो आई एम वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। बट आई एम वाह, रियली वेरी फंटास्टिक। वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूजिक, क्योंकि आई थिंक कि जो फ्रीडम वहां मिलती है वो फिल्मों के म्यूजिक में कभी मिल नहीं सकती। तो सिंगिंग करता ही था, अरेंजर भी था, और फिर जब कंपोजिंग का जब कॉन्फिडेंस मिला तो मैंने जब मेरा पहला गाना किया जिंदगी आदित्य के साथ में, देन अध्ययन सुमन के साथ में मैंने सारे उन्होंने चढ़े किया, तो वहां से कॉन्फिडेंस मिला। एंड नाउ फाइनली मुझे लोगों ने बोला कि आपको अपने गानों में खुद गाना चाहिए, यू आर अ गुड सिंगर, आप अपने आप को ज्यादा वो ना करें, शक ना करें अपनी एबिलिटी पे कि आप प्लेबैक सिंगिंग भी कर सकते हैं। सो दैट इज वाई फाइनली व्हेन मतलब हीर के साथ में मैंने एज अ सिंगर, कंपोजर, राइटर, अरेंजर, मैंने अपने आप को एक फिर से एक डेब्यू किया मैंने इस गाने के साथ में। अगर आज से 10 साल पहले आपको अपना म्यूजिक, अपने म्यूजिक के साथ कुछ करना होता, तो क्या लगता है आपको, क्या क्या चैलेंजेस होते या क्या फायदे होते? आई थिंक तब म्यूजिक बनाना आज से 10 साल पहले ज्यादा आसान था, ज्यादा आसान था, क्योंकि आज जो जो सबसे बड़ा चैलेंज हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट लोग फेस करते हैं, इट्स द मार्केटिंग ऑफ द सॉन्ग। एंड आई थिंक इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं वो सारे अपने पैसे डाल के अपने गानों को बाहर पहुंचाते हैं, दे मेक श्योर के जो गाने हैं उनके वो बाहर पहुंचे, मिलियंस हिट करें। बट हमारे साथ में ये एक इशू होता है कि अगर समझिए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के पास में पैसा नहीं है, उसके पास उतना ही पैसा है जितना कि वो गाना बना सकता है, और उसके बाद में फिर मार्केट कैसे करे। और आजकल मार्केटिंग हर जगह पे, अगर आपको कोई एक पोस्ट भी कराना है, अगर आपको इंस्टाग्राम पे एक रील बनवानी है या यूट्यूब पे आपको व्यूज शेयर करने हैं, ये करना है वो करना है, तो सब जगह एवरीथिंग इज मनी राइट नाउ। एंड आई थिंक ये बहुत ही एक खराब चीज है अभी के एक प्रेजेंट फॉर्म में। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं होता वो फिर उनके गाने अटक जाते हैं एंड वो कभी बाहर नहीं आ पाते। पहले आज से 10 साल पहले ये था कि एवरीबडी हैड अ इक्वल प्लेटफॉर्म, और सबको अपने गाने बाहर रखने का एक इक्वल प्लेटफॉर्म था कि हाँ भाई यहाँ पे ये गाना जाएगा, ये चैनल पे ये बजेगा, ये चैनल पे ये जाना है, एक रेगुलरिटी उनकी एक थी ऐसी कि जो भी इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहे थे उनका गाना बाहर आता था और पहुंचते थे। अब आर्टिस्ट भी बहुत बढ़ चुके हैं एंड आई थिंक मार्केटिंग इज द मेन इशू दैट वी फेस दिस लाइक इन द प्रेजेंट टाइम्स। और सब बेसिक जी डिफरेंस, आपको फिल्म के लिए गाना और अपने लिए गाने में बेसिक डिफरेंस क्या लगता है, बेसिक इन्वेस्टमेंट? डिफरेंस ये कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक में आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे कोई रेगेटॉन गाना करना है, या मुझे गजल करनी है, या मुझे हीर जैसा एक रोमांटिक ट्रैक करना है, एवरीथिंग जो सारी चीजें मैटर करती है वो मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी क्या फीलिंग है, मैं क्या करना चाहता हूँ। वेरस फिल्म में जब होते हैं तब आप सिचुएशंस में जाते हैं, आप स्टोरी में जाते हैं, आप कैरेक्टर्स में जाते हैं, और जो उन कैरेक्टर्स की जो डिमांड होती है, उस स्टोरी स्क्रिप्ट की जो डिमांड होती है, उस हिसाब से आपको म्यूजिक कंपोज करना पड़ता है। एंड विच इज अ वेरी गुड चैलेंज टू हैव, यू नो जब आप कोई स्क्रिप्ट सुनते हैं यू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, कंपोजर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और जब हम स्क्रिप्ट सुनते हैं हम कैरेक्टर को महसूस करते हैं उसके बाद में हम गाने बनाते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड यू नो कंपोज फॉर फिल्म्स एंड एवरीथिंग। बट इंडिपेंडेंट म्यूजिक आपका क्या मूड है, क्या करना चाह रहे हैं, आपके सॉन्ग बैंक में से आपको जो गाना अच्छा लगे, ये गाना शायद अभी चल जाए, ये गाना शायद लोगों को पसंद आए, क्योंकि आई एम गेटिंग अ फीलिंग के मतलब ये गाना अच्छा लगेगा, सो यू कैन गो अहेड विद दैट। यस,
मतलब एक तरफ वो टक्स वाली फीलिंग है और एक तरफ घर के पजामों का सुकून. बिल्कुल 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 एग्जैक्टली. कहाँ से हैं ये तो पूछा ही नहीं मैंने अभी तक आपसे. जी मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान से. आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई. बॉम्बे में पला बड़ा, पैदा भी यही हुआ, बट वैसे राजस्थान से हूँ. रूट्स मेरे जो है राजस्थान से हैं. मॉम और डैड दोनों राजस्थान से हैं. सो क्या मतलब जाते रहते हैं कभी कभी घूमने के लिए वहाँ पे, बट ज्यादा मैं गया नहीं हूँ. मेरे मॉम डैड बहुत जाते रहते हैं. जब वो वहाँ पे किसी की शादी अटेंड कर रहे होते तब हम यहाँ पे लोगों की शादियों में परफॉर्म कर रहे होते, तो इस वजह से जाना होता नहीं है वहाँ पे. वैसे कुछ भी कहिए राजस्थान का फोक तो बहुत बहुत रिच है. 100% तो वो आपके म्यूजिक में कितना है? आप भले ही मुंबई में हो, म्यूजिक में राजस्थान है. जी बिल्कुल बिल्कुल. और मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट दो मेरे जो गाने आ रहे हैं जो दिसंबर में मैं लॉन्च कर रहा हूँ गानों को, वो दोनों राजस्थानी गाने हैं. सब मारवाड़ी सॉन्ग्स हैं दोनों. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि यू नो मुझे हमेशा से एक अंदर यहाँ पे मेरे जितने भी मारवाड़ी फ्रेंड्स हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जितने भी हमारे स्टार्स हैं राजस्थान के जिन्होंने यहाँ पे म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम कमाया है, हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि मराठी म्यूजिक जो एक अजय अतुल सर एक अपने लेवल पे उसको ले गए, फिर गुजराती म्यूजिक सचिन जिगर जैसे एस्टैब्लिश्ड कमर्शियल बॉलीवुड कंपोजर्स कभी मना नहीं करते वो गुजराती फिल्मों के लिए. दे आर ऑलवेज, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे उनको उतना बजट नहीं मिलता होगा जितना यहाँ पे एक हिंदी फीचर फिल्म में मिलेगा, बट देन टू उनके जो रूट्स है उनको वो चाहते हैं कि गुजराती म्यूजिक में भी चेंज आए और वो लोग सुने. और हमने लास्ट 2-3 साल में देखा है उनके रॉन्ग साइड राजू और ये सारी जो फिल्में उन्होंने कंपोज की हैं गाने. सो वैसे राजस्थानी म्यूजिक एक कमर्शियल एस्पेक्ट बहुत लैक करता है. हमारे यहाँ पे वैसी फिल्में नहीं बनती. मैं चाहता हूँ वैसी फिल्में बने, वैसे सब्जेक्ट बने, और हम जो यहाँ पे बॉलीवुड में काम करें अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले हम डेफिनेटली जाके वहाँ पे म्यूजिक कंपोज करेंगे. और आज का साउंड, आज का मॉडर्न एज जो म्यूजिक है उसको हम राजस्थानी म्यूजिक के साथ में ब्लेंड करना चाहेंगे. जब भी राजस्थानी म्यूजिक के बारे में बात होती है लोग फोक पे आके अटक जाते हैं. ये लोग बोलते हैं कि फोक बहुत रिच है, ये बहुत रिच है, बट उसके अलावा कुछ नहीं है वहाँ पे. जैसे वेर एज गुजरात का फोक भी बहुत रिच है, बट अब उनका जो उनकी इंडस्ट्री का जो म्यूजिक वो भी बहुत रिच हो गया है. मराठी का भी फोक बहुत रिच है, बट उनकी इंडस्ट्री जो है उसका म्यूजिक भी बहुत अलग लेवल पे आ गया. सो वी वांट टू डू समथिंग वी ऑलवेज डिस्कस, और इसलिए मैंने बोला कि अब जो मैं नेक्स्ट गाने दोनों करूंगा वो मैं राजस्थान को डेडिकेट करूंगा. दोनों गाने कम्प्लीटली मारवाड़ी सॉन्ग्स हैं. कभी भी जब स्टेट्स की बात करते हैं तो फोक पर आकर रुक जाते हैं, जबकि उस वो अपने आप में एक म्यूजिक इंडस्ट्री है. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद पंजाब. कहीं ना कहीं अगर मैं पीछे जाऊं, यू नो पंजाबी गाने फोक के लिए भी फेमस है, लेकिन उनके अपने गाने मतलब हमने इतने सुने हैं कि ऐसा लगता है कि आधा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान आधा पंजाबी तो हो चुका है, you know, गाने सुन सुनकर. या सो एक ऐसा ही तो एक ऐसे पंजाबी गाना ये नया लेकर आए हैं. ये है मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे हर्षद चौहान. बातें चल रही है इनसे. गाने का नाम है हीर चाहिए. देखिए वो क्या कहते हैं उसे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कर दीजिए शेयर. थैंक यू सो मच हर्षित, लवली. थैंक यू सो मच आनी. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर. बाय बाय. टेक केयर. 92.2